हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कॉपर बंद हुआ है 776.50 पे, लगभग 10 रुपए नीचे, 1.38%। तो चलो फिर शुरू करते हैं एनालिसिस विद मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे कॉपर ट्रेड कर रहा है 2 रुपये ऊपर फॉर द मंथ। और यहाँ जो है तो लास्ट मंथ के रिकवरी के बाद हमने ऊपर के लेवल देखे और फिर से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखिए हमने ऊपर के लेवल से। तो यहाँ मंथली चार्ट पे एक अच्छा खासा प्रेशर दिख रहा है ऊपर के लेवल पे सेलिंग का। नीचे जो है तो मेजर सपोर्ट जोन है मंथली चार्ट पे 715 और उसके बाद में 680। तो अगर ये करेक्शन डीपर होता है तो हम ये लेवल भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मंथली चार्ट पे कॉपर जो है तो एक कंसोलिडेशन और करेक्टिव जोन में जा रहा है। तो यहाँ कुछ ऐसा क्लियर कट ट्रेंड नहीं है अभी तक। मोमेंटम जो है तो दोनों तरफ आपको दिखाई देगा, लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड भी। सपोर्ट के आने पर आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस के अराउंड सेल करना है एज पर मंथली चार्ट। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप अगर देखोगे तो हम जो है तो इस वीक बंद हुए हैं लगभग 3% डाउन, लगभग 23-24 रुपये नीचे बंद हुए हैं। लास्ट वीक हमने 23 रुपीज़ का गेन देखा था और लास्ट 3 वीक के बाद हम फर्स्ट टाइम नेगेटिव में बंद हुए हैं और यहाँ अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ऊपर जो है तो रेजिस्टेंस के अराउंड जो है तो आपने अच्छा खासा सप्लाई भी आते देखा है मार्केट में। तो हो सकता है कि ये जो है ये सप्लाई कंटिन्यू रहे और जिस तरह से प्राइस पैटर्न है मुझे लगता है कि कॉपर जो है तो 750 और उसके नीचे लेवल की तरफ बढ़ सकता है धीरे धीरे। ऊपर जो है तो 805 से लेकर 815 का जो बैंड है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, उन लेवल पे शॉर्ट करना है विद स्टिक स्टॉप लॉस। नीचे जो है तो 730 से लेकर 740 ये सपोर्ट जोन है, यहाँ आने पर आपको बाइंग के मौके ढूंढने हैं। करंटली वीकली चार्ट पे मुझे लगता है कि हमें अगला वीक जो है 1-2 वीक कॉपर प्राइसेस नीचे जाते हुए दिखेंगे। पहला टारगेट रहेगा 750, उसके बाद में 730 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा फॉर नेक्स्ट वीक एज पर वीकली चार्ट। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि कॉपर ने सभी टारगेट अचीव करने के बाद अभी करेक्टिव मूव एक्वायर की है और यहाँ करेक्शन के बाद अभी हम जो है तो एक डीपर करेक्शन के लिए जा रहे हैं। और मेजर जो सपोर्ट दिख रहा है एज पर डेली चार्ट वो है 760 रुपये का, जो है 200 डेज का एवरेज, तो उसके तरफ बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि उसके बाद हम जो है तो पिछले महीने का लो था 740 और 720 की भी लेवल जो है तो कॉपर दिखा सकता है। ऊपर जो है तो 786 से लेकर 795 ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये पार नहीं कर पाता है कॉपर तो आपको दिखेगा 760, उसके बाद में 740 और 720 के टारगेट आते हुए इन शॉर्ट टर्म। तो अगले वीक के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो सेल ऑन राइज रहेगी। आपको कॉपर जो है तो सेल करके चलना है, आपको सेल करना है 790 के अराउंड। स्टॉप लॉस रहेगा 800 रुपये का, पहला टारगेट रहेगा 760 का, उसके बाद में 740 का और फाइनल टारगेट रहेगा 720 के अराउंड। और यहाँ जो है तो ऊपर के भी टारगेट हमने आते हुए देखे, अभी जो है तो इस टाइम मुझे लगता है कि कॉपर निचले टारगेट दिखाएगा। आपको 760 के अराउंड से एक बाउंस बैक भी आते हुए दिखेगा, तो वो बाउंस बैक आता है तो आपको फिर से कॉपर को बेचना है, मगर इस बार जो है 780-785 के अराउंड बेचना है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 795 के ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट सेम रहेंगे 760-740 और उसके बाद में 720 के। तो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।